क्या आप भी ऐसे म्यूजियम घूमना चाहते हो जहां भविष्य देख सको और साथ ही साथ पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ मिले आपको एक ही जगह पे? तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को मेरे यानी घुमक्कर चोसी के साथ। यहाँ का एम्बियंस ना दोस्तों सच में बहुत ही सूदिंग है। देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ना मेरे को नेचर तो साथ में मिल ही रहा है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। आज मुझे कंपनी मेरे बड़े भाई दे रहे हैं और देखो दो ब्लॉक है, एक सिंगल ये है और उसके बाद एक आगे भी है। मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला था लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे जो एंट्रेंस पे खड़े थे गार्ड उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ आप वीडियो मत बनाओ। तो सबसे पहले मैं लेने वाला हूँ हेलीकॉप्टर राइड। संग्रहालय का प्रवेश यहाँ पे है, कैफे भी साथ में, स्मारक भी है। तो यहाँ से चलते पहले भविष्य देखने। ये सच में म्यूजियम है कि कोई जादू की नगरी है। देखो कैसे एकदम अशोक स्तंभ को हवा में तैरता हुआ बना रखा है इन्होंने, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में ये जगह। इस म्यूजियम को देखने के बाद आपको भी ये फील आ रहा होगा ना कि जैसे किसी यूरोपियन कंट्री का म्यूजियम है। और देखो ऊपर LED लाइट से इन्होंने तिरंगा बना रखा है जो कि बहुत ही प्यारा डिसेंट लग रहा है देखने में। और इस पूरे कॉरिडोर में देखो आप सारे प्रधानमंत्री के बारे में यहाँ पे डिस्प्ले दे रखा है। और इससे थोड़ा आगे चलते ही मैं आपको दिखाता हूँ महात्मा गांधी जी का, मतलब ये वाला जो पॉइंट है जैसे आप कॉरिडोर से अंदर आओगे ना यहाँ पे है। और यहाँ पे पूरी हिस्ट्री बता रखी है बहुत अच्छे से। स्क्रीन देख रहे हो कितनी अच्छी लग रही है, ये देखो। ओए होए। और एक कॉमन क्वेश्चन है आप लोगों से कि यार वीडियो स्किप करने से आप लोगों को मिलता क्या है? अगर आप लोगों ने क्लिक कर दिया तो उसको 50% तो एटलीस्ट देखो। आप डायरेक्ट क्लिक करके दूसरे ऑप्शन पे चले जाते हो तो गलत बात है ना। इस पूरे संग्रहालय में ना लाइटनिंग बहुत ज़्यादा कर रखी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है हम किसी मॉल के अंदर आ गए हैं। इस पॉइंट पे क्या है ना कि वहाँ पे आप बैठ जाओगे और वहाँ पे प्रधानमंत्री जी बैठेंगे, हमारे जो भी 14वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और उनके साथ आपकी एक सेल्फी क्लिक होगी। ये करवानी है, सेल्फी क्लिक करानी है मोदी जी के साथ, 50 रुपये महंगी है। ये है वो ग्रीन रूम जहाँ प्रधानमंत्री आपके साथ एक वॉक लेते हैं। देखो ये है वो टाइम मशीन जिससे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक भविष्य। तो चलो स्वागत है देवी और सज्जनों, बालकों एवं बालिकाओं। आज अब एक नए भारत आधुनिक बुनियादी ढांचे, वैज्ञानिक नवाचारों और इंजीनियरिंग के चमत्कारों के लिए उड़ान भरेंगे। अच्छा मूवमेंट ऐसी हो जैसे रियल में होगा ना। ओए हो, पूरा साइड व्यू। ये है शानदार ढोला सादिया सेतु। ये पानी पर 9.15 किलोमीटर स्थायी बीम पुल है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले इस पुल ने यात्रा की दूरी 165 किलोमीटर कम कर दी है। तमिलनाडु में विस्मयकारी मुपंडल विंड फार्म परिचालित तटीय विंड फार्म है। रोहतांग दर्रे के नीचे बनी अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। यह लद्दाख को पूरे साल कनेक्टिविटी और हमारे सशस्त्र बलों को रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। ये सागरमाला परियोजना है जो तटीय नौवहन और अंतरदेशीय जलमार्गों के 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्गों के पत्तनों की विकासोन्मुखी है। Experience. अगर ध्यान से देखने लगो ना तो एग्जैक्टली बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसा ही फील होगा कि रियल की राइड थी। कि आपने भारत के कुछ सबसे नवीन विकास कार्यों पर आधारित इस रोमांचक सवारी का आनंद लिया होगा। चलो भाई वापस लैंड हो गई है अपनी फ्लाइट। मजा आ गया सच में। ये 5 मिनट की वीडियो कट करके दिखाऊंगा बट लेकिन बहुत अच्छा, कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया लगता है। चलो
तो हमने पहले राइड ली है, राइड के बाद अब इसी फ्लोर को हम पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके बाद वापस जाएंगे फर्स्ट फ्लोर का, यानी फर्स्ट जहाँ से हम लोगों ने एंट्री ली थी। ओए हो दोस्तों, सच में कह रहा हूँ, लाइटनिंग के साथ साथ ना जो चीज़ें देखने को मिल रही है ना कितना बढ़िया। ये क्या है, ये कौन है, क्या बात है, बताओ बताओ जल्दी से कौन है। अरे सिंपली बता देता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप लोगों को पता ही होगा वाइट रेवोल्यूशन क्या था। जिन लोगों को हिस्ट्री में रुचि है, हिस्ट्री के साथ साथ जिन लोगों को पॉलिटिक्स में भी थोड़ा जानकारी रखते हैं, तो उन लोगों को ज़रूर पता होगा कि यह वाइट रेवोल्यूशन क्या था। अब उसी के बाद देखो, यहाँ परमाणु नीति न्यूक्लियर के बारे में भी है, मतलब आपको एक छोटी सी जगह में पूरे भारत को जानने का मौका मिलेगा। और जो ये सामने देख रहे हो ना, ये है लाल बहादुर शास्त्री को जो गिफ्ट मिला था उनकी वेडिंग पे, ये है चरखा, ये देखो पहले का। अब ये देखो छोटा सा प्रोटोटाइप में उन्हीं को गिफ्टेड मिला है, और ये कोई कॉपी नहीं है, ओरिजिनल है। और इसी लॉबी में है जय जवान जय किसान। ओए कितने अच्छे तरीके से बनाया, देख रहे दोस्तों, ये है यहाँ पूरे भारत का एक पूरा व्यू, राष्ट्र की विनम्र, हिंदी थोड़ा ख़राब है, नेशन पेज होमेज। ये देखो 1965 के वॉर के टाइम पे ना लाल बहादुर शास्त्री ने ऑन एमरजेंसी आकाशवाणी पे अपना एक प्रसारण किया था ऑन एयर, तो देखो वो यहाँ ऐसे दिखा रखा है, और उसका देखो एक विजुलाइजेशन यहाँ पे है। ये देखो इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर था, और ये पूरा सेक्शन लाल बहादुर शास्त्री जी को समर्पित है, और उनके बारे में पूरी जानकारी यहाँ दे रखी है, जैसे कि ऑन एयर उनका 1965 में कैसा रहा, फिर देखो यहाँ जय जवान जय किसान जी का नारा दे रखा है, उसी तरह वहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि पूरा एक इन्फॉर्मेशन थी। और दोस्तों अगर आपको ना इंटरेस्ट है भारत को जानने में, अगर आप कहीं घूम नहीं पा रहे हो, वीकेंड का प्लान कर रहे हो, कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ साथ थोड़े तो अच्छा एम्बियंस एंजॉय करने का, तो मैं कहूँगा भाई डेफिनेटली यहाँ विजिट करना बनता है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का है, और यहाँ देखो पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ क्या क्या है यहाँ पे, मतलब उस समय पे जितने भी थे, देखो 1966 है, 1971 है, और साथ ही यहाँ पे ये देखिए इतनी बड़ी जॉइंट स्क्रीन लगा रखी है दोस्तों, और विद टच पैनल के साथ। और भारत की हिस्ट्री समझने के लिए ना, तो देखो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा मल्टी टच स्क्रीन लगा रखी है जॉइंट, और इस पर टच करने से फूड क्राइसिस है, ठीक है, कब हुआ था, जनवरी 1966। उसी तरीके से देखो यहाँ पे है सारी इन्फॉर्मेशन भाई, मतलब आ जाओ अगर आपके एग्ज़ाम नियर बाई हैं तो। ये तो मेरे ख्याल से ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है ना, डमी है। ये टीवी सच बताना दोस्तों, आप लोगों ने कभी अपने घर में देखा नहीं, देखा होगा। और अब पूरा मोरारजी देसाई जी के बारे में यहाँ पे पूरा है, तो जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं ना, उन सबको एक एक सेक्शन दे दिया गया है, और उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। देखो ये देखिए, मिनिस्टर इन बॉम्बे प्रोविजंस, फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे, फिर फाइनेंस मिनिस्टर रहे, और उसी तरीके से देखो यहाँ पूरा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में दे रखी है। इस मॉडर्न टाइम के म्यूजियम में ना बहुत कुछ यूनिक है, कि ऑडियो बुक मिल जाती है आपको, लाइटनिंग अच्छी मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो भैया बहुत ही बढ़िया लगा है, यंगस्टर्स के लिए भी, ओल्ड एज के लिए भी, और बाकी लोगों के लिए भी जो यहाँ आके थोड़ा अच्छा टाइम बिता के चीज़ें समझना चाहते हैं। चलिए अब आपको दिखाता हूँ सेंटर अट्रैक्शन पॉइंट, जो कितना सुंदर है ना दोस्तों, यहाँ आपकी फ़ोटोग्राफ बहुत अच्छी है। ओए होए होए, लाइटिंग के साथ देखो कितना अच्छा लग रहा है। श्री राजीव गांधी जी, और उसके बाद देखो ऊपर भारत का अशोक चक्र बना रखा है, और यहाँ सेंटर पर हाथ रखते हुए, ओए होए, ये देखो साइड में साइड मिरर है, और यहाँ सच में यार एक अमेजिंग फील है दोस्तों, एक अमेजिंग फील। मतलब अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, इसको देखने के बाद आप कहोगे अरे इसको तो देख के 90s की मूवी याद आ गई, ये देखो STDISDPCO लोकल, यहीं पे अजय देवगन धर्मेंद्र अंदर जाके कॉल करा करते थे गुंडे बन के, यही वो जगह है। और देखो पहले के कंप्यूटर्स, जो 90s में जो कंप्यूटर्स थे वो दिखा रखे हैं देखो, और इन कंप्यूटर में देखो फनी बात क्या है, देखो उसका माउस देख रहे हो अब कैसा है, ऐसा लग रहा पावर बैंक है। आप लोगों को एक फन फैक्ट बताता हूँ कि ये जो म्यूजियम है, प्रधानमंत्री संग्रहालय कहते हैं जिसको, ये पहले नेहरू मेमोरियल के नाम से जाना जाता था। चलो इस गैलरी से वॉक करते हुए चलते हैं। 1949 1950, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 2023 तक तो दिखाई देंगे। 1951 1952 1953,
देखो बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में, ठीक है, 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम था और चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड में हुआ, ये देखिए। तो ये पूरा इतिहास विद राजनीति, 1983 में पहला वर्ल्ड कप जीता था भारत ने, उसके बारे में देखो यहाँ बना रखा है। तो जितने भी इतिहास रहा है उसका पूरा बहुत अच्छे से बहुत को भी दिखाया है। तो देखिए प्रथम भारतीय यांत्रिक यात्री जो थे वो थे मिस्टर राकेश शर्मा जी। ये देखो पहला हमारा जो पीटी उषा थी जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक लिया था, पर्यावरण संरक्षण अध्ययन में आया था। तो जितना भी है ना लगभग इस गैलरी में आपको पूरा दिखा रखा है। और यहाँ एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, ये तो बहुत ही अच्छे एक तरह से कहो राजनीतिज्ञ रहे। अग्नि 2 मिसाइल का एक प्रोटोटाइप भी बना के लगा रखा है, देखो ऊपर लटका हुआ है। और ये रहा, भारतीयों ने बहुत उपलब्धियां हासिल की है, आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है भारत में। गोल्डन चतुर्भुज, ये देखिए मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, कोलकाता का ब्रिज और चेन्नई का आई गेस कुछ होगा और दिल्ली का इंडिया गेट। इधर देखते हैं मनमोहन सिंह जी के बारे में, हमारे साइलेंट प्रधानमंत्री रहे हैं। आप लोगों को लगता होगा कि यहाँ ना सिर्फ गिने चुने लोग आते हैं, तो ये देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भीड़ देख रहे हो आप जाते हुए, भीड़ देखो आप। प्रधानमंत्री संग्रहालय 2 बिल्डिंग्स में डिवाइडेड है। पहली बिल्डिंग जो आती है वो नेहरू जी को समर्पित है, उसमें नेहरू जी के बारे में थोड़ी जानकारी दे रखी है। जो सेकेंड बिल्डिंग आती है उस सेकेंड बिल्डिंग में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, प्रधानमंत्री से रिलेटेड है, अपना कैसा पास्ट रहा है और आने वाले फ्यूचर की क्या तैयारी है। तो सेकंड सबसे ज़्यादा खास है, जो कि मैंने आपको वही दिखाई जाके, जो कि सही भी रहा, थोड़ा समय का अभाव था। और कोई भी आपकी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू प्रधानमंत्री संग्रहालय, आप मेंशन कीजिए मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके, मैं आपको वहाँ सारे आंसर्स दूंगा। और मेरे को आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो चलो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक रखिए अपना ध्यान। मैं घुमक्कर जोशी लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।